व्हाट्स अप गाइस, आज हम देखने वाले हैं पाकिस्तान रेलवे रोस्ट पार्ट थ्री। ओ भैया पार्ट थ्री, दो पार्ट और हैं इसके, तो हमने वो मिस करे हुए हैं, उन पे भी रिएक्ट करेंगे। आप कहेंगे तो ट्वीब्रो चैनल से है, मस्त मजेदार वीडियो होगी चैनल में, तो प्लीज सब्सक्राइब, वीडियो कर दे लाइक। 1 2 3 गो। ट्रेन वॉशिंग इन डिफरेंट कंट्रीज, यूके, ठीक है, यूएसए, India, Pakistan. Too many thoughts in my mind, I can't sleep at night, so I just keep writing. ये है पाकिस्तान का उभरता रेलवे सिस्टम, जो तकनीक के क्षेत्र में दुनिया भर के देशों को पीछे छोड़ रहा है। जहां एक तरफ दुनिया भर के देश पटरियों पर चलने वाली ट्रेन तक ही सीमित हैं, वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान पानी पर चलने वाली ट्रेन तक बना चुका है। भाई पाकिस्तान दुनिया का वो इकलौता मुल्क है जहाँ पैसेंजर्स को ट्रेन में जहाज वाला फुल फील दिया जाता है। पैसेंजर्स को एक बार को ट्रेन के अंदर टोटियों में पानी ना मिले, लेकिन ट्रेन के बाहर पानी ही पानी। मानो ट्रेन अपनी हालत देखकर खुद बोल रही हो, मैं पानी पानी हो गई। मतलब भाई इन पोर्टो की हुतिया पंती देखो, पूरा रेलवे ट्रैक दलदल बना पड़ा है, फिर भी बंदे इन ट्रैकों पर गाड़ियां ऐसे दौड़ा रहे हैं जैसे एक रूट की ट्रेन रद्द करने से पाकिस्तान की इकोनॉमी बैठ जाएगी। बंदे ट्रैक मैन तक को गाड़ी के आगे झंडा लेकर दौड़ा रहे हैं। लेकिन इतनी मेहनत के बावजूद भी पाकिस्तानी रेलवे कर्मचारियों को सैलरी नहीं दी जाती, बंदे आए दिन सैलरी के लिए धरना देते नजर आते हैं। और आखिर में बाद में रेलवे का बीमार मुलाजिम तनख्वाह का इंतजार करते करते दुनिया से ही रुखसत हो गया, खत्म। भाई यही वजह है कि आज सैलरी न मिलने से पाकिस्तानी रेलवे ड्राइवर ट्रेनों को सीरियस ही नहीं लेते, बल्कि गुस्सा निकालते हुए फैसलाबाद के करीब झुमरा में इंजन ड्राइवर माल गाड़ी की दो बोगियां छोड़कर आगे निकल गया। पाकिस्तानी ट्रेन ड्राइवर करें भी क्या, बंदे जान हथेली पर लिए खटारा रेलवे ट्रैकों पर ट्रेनें चलाते हैं, लेकिन बात जब इनकी सैलरी की आती है तो पाकिस्तानी सरकार हम शुद्ध गरीब है। भाई इनकी कंगाली का अंदाजा इस बात से लगा सकते हो कि बंदों के पास रेलवे ट्रैकों को रोके रखने के लिए किले तक नहीं है। बंदे पटरियों को थामे रखने के लिए लकड़ियों से काम चला रहे हैं, और कुछ जगह किले लगी भी हुई है। तो सारे बोर्ड देखे निकल रही हुई, देखे हाथ में आ रहे स्टेशन से देखें क्या हालात है। भाई चलो, यहाँ तक भी पटरियों के बीच पत्थर और लकड़ियाँ लगा दी गयी, लेकिन उधर कराची का रेलवे स्टेशन, वहाँ तो पटरियों के बीच से पत्थर और लकड़ियाँ भी गायब हैं। ऊपर से पटरियों के बीच चूहों के लिए स्विमिंग पूल बनाया गया है, वो अलग। और इसके अंदर बदहाल रेलवे सिस्टम होने के बावजूद भी पोर की बकचोदी पेलते फिरते हैं। इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान रेलवे को हम ईरान से और टर्की से और रूस से अफगानिस्तान से ये लिंक करने जा रहे हैं। अच्छा, मतलब बंदों से अपने मुल्क की रेलवे लाइनों को लिंक नहीं किया जा रहा, पूरा पाकिस्तान रेलवे जुगाड़ पर चल रहा है। और ये पाक रेलवे को ईरान, तुर्की, रूस, अफगानिस्तान से लिंक करेंगे। अरे भीख मंगिया हलवा ही क्या। पाकिस्तानी नेताओं ने पाक रेलवे की लूट लूट कर वो हालत कर दी है कि बंदों के पास आज डीजल डालने तक के लिए पैसे नहीं है। बंदे गाड़ियों में धक्का मार के आगे बढ़ा रहे हैं। रेलवे इन बंदों की जाहिलियत की दाद देनी पड़ेगी। बंदे मालगाड़ी के डिब्बों में धक्का तो ऐसे मार रहे हैं जैसे इनको खिसका कर ही मानेंगे। अबे साले पोरकियों, 5-6 पहलवानों के फेफड़े फटेंगे तब जाकर खिसकेगा ही जरा सा। भाई पाकिस्तान का क्या है, रेलवे कर्मचारी हो या नेता, हर कोई अपना काम बड़े शिद्दत से करता है। पहले नेताओं ने रेलवे को लूटा, और अब रेलवे में थोड़ा कुछ बचा तो अंदरूनी सिंध से गुजरने वाली ट्रेनों में वारदातें, मुसल्ला डाकुओं की खैरपुर के करीब मालगाड़ी में लूटमार। डाकुओं ने कम रफ्तार जोन में प्रेशर कॉक तोड़कर मालगाड़ी रोकी, मालगाड़ी में नस्ब लोहे के आलात तोड़कर लूट लिए। भाई जब डाकू नेता हर कोई रेलवे से कुछ ना कुछ लूट रहे, तो पाकिस्तानी आवाम भी पीछे रहने वालों में से थोड़ी है। उधर डाकुओं ने मालगाड़ी से सिर्फ लोहे का सामान ही लूटा था, इधर पाकिस्तानी आवाम ने तो रेलवे लालच के मारो के लिए हलवा बन गया। कभी कोई पटरी उखाड़ कर ले जाता है, तो कभी कोई इलेक्ट्रिक तारे चुरा कर ले जाता है। मगर अब बात बढ़कर ऑयल टैंक वैगनों तक पहुंच गई है। कराची में पेपरी ट्रैक पर खड़ी 21 नाकारा ऑयल टैंक वैगने पुर इसरार तौर पर गायब हो गई। वैगने कहां गई किसी को कुछ नहीं पता था। मतलब बंदों ने मालगाड़ी के 21 डिब्बे ही चुरा डाले, बड़ा हरामी चोर है। और ये सब चोरियां की क्यों जाती हैं? वो बेचारे, उनको मसला था जी कि उनको नौकरी नहीं मिली, तो उन्होंने कहा जी ये रेलवे लाइन ही ट्रैक चोरी करें और ये बिक जाएगा।
पाकिस्तान का सही है क्या नेता क्या आवाम सारे पाकिस्तान रेलवे को मिल बांट के खा रहे हैं, क्योंकि उनको भी पता है कि पाकिस्तान रेलवे का कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि पाकिस्तान दुनिया का वो इकलौता मुल्क है जहां ट्रेन की वजह से ट्रैफिक नहीं रुकता बल्कि ट्रैफिक की वजह से ट्रेनें रुकती हैं। और इसका जीता जागता उदाहरण है ये वीडियो, जहां दूसरे देशों में अन्य वाहन ट्रेन गुजरने का इंतजार करते हैं, वहीं पाकिस्तान में तो सिस्टम ही अलग है, यहां ट्रेन खड़ी होकर अन्य वाहनों के गुजरने का इंतजार करती है। और अब तो पाकिस्तानी ट्रेनें भी अपने बदहाल रेलवे सिस्टम में इसके अंदर ढल चुकी हैं कि जहां पटरियों का नामो निशान ना हो वहां तो एकदम बराबर चलेंगी, लेकिन बात जब पटरियों पर चलने की आती है तो कराची से ननकाना साहब आने वाली सिख स्पेशल ट्रेन की 9 बोगियां पटरी से उतर गईं। रोड़ी के करीब कराची से लाहौर जाने वाली शालीमार एक्सप्रेस ट्रेन की 1 बोगी पटरी से उतर गई। खबर है सखर से, जहां पर समा सट्टा के करीब कोयले से भरी माल गाड़ी ट्रैक से उतर गई है। बिन कासिम के करीब लाहौर जाने वाली शालीमार एक्सप्रेस की बोगियां पटरी से उतर गई हैं। भाई ये तो पाकिस्तान रेलवे की हालत है, शायद ही कोई दिन जाता होगा जिस दिन पाकिस्तान में ट्रेन हादसे न होते हो। और यही वजह है कि पाकिस्तानी ट्रेनें पटरियों से हटकर धीरे धीरे रोडों पर आती जा रही हैं। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आप पोरियो की ऐसे ही ठुकाई देखना चाहते हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और आनंद ले पोरियो की ठुकाई का, वो मैं कहता हूँ ना पोरियो को पेलने की कसम खाई है। ओ भैया मस्त मजेदार रोस्ट था, इसके तो बाकी दो पार्ट भी देखने पड़ेंगे। और सबसे बढ़िया तो वो था, वो कितना रिस्की था, कैसे लगा रखे थे उन्होंने, पत्थर लगा रखे थे, लग रहा है ट्रेन नहीं टॉय ट्रेन है कोई। वो कहते ना शायद से वो पटरी चेंज करते हैं डायरेक्शन के लिए, तो उसमें पत्थर अटका रहे हैं, पत्थर हट जाए तो आदमी की डेस्टिनेशन नहीं बदल जाए। वो था तेजस्वी और कह रहा है कि नॉर्मली क्या होता है गाड़ियां वेट करती है कि ट्रेन चली जाएगी, या ट्रेन वेट कर रही है, वो भागा भागा झंडा ले लेके, चाहे वो पानी में चलाना था तो जो रेलवे मैन है वो आगे चल रहा है पानी में, पानी नो डाउट फ्लडिंग हो जाती है मम्मी में, लेकिन इनका तो ज़्यादा बुरा हाल है। ऊपर से वो क्या कह रहा कि इसको कनेक्ट करेंगे इनसे, मैं कह रहा हूँ पहले तुम तरीके से एक लाइन से दूसरी लाइन में कनेक्ट कर लो बिना पत्थर अटका, कीले निकल रही हैं उसके अंदर से, सिस्टम हैंग कर रखा है। और सिस्टम इसलिए हैंग हो रहा है क्योंकि वहाँ पर नियत ही नहीं है सुधारने की, वोट के टाइम पर आ जाएंगे कि हमारे टाइम पर ये हुआ था बस रिबन काट देंगे, उसके बाद मेरी तरह से गद्दा फाड़े चूहा उसमें घुस घुस के। एक वो बढ़िया था ट्रैक के पीछे कह रहे हैं चूहों के लिए स्विमिंग पूल बनाया, तो डायलॉग बंदे भाग रहे उसके आगे झंडा लेके, एक वो धक्का मार रहे ट्रेन को आगे पहुँचाने के लिए। भाई देखो कुछ भी कहो पाकिस्तान ने इतने वो कर रहे हैं ना कुकर्म कि भैया हर जगह रोस्टी रोस्ट निकलता है। आई एम श्योर अपना वीडियो एंजॉय करोगे। ट्विब्रो की यही खासियत है भाई, जो स्क्रिप्ट लिखता है ना भाई, जिस तरीके से जो पंच लाइंस होती हैं और जो बोलने का अंदाज, वो एक नंबर नेक्स्ट लेवल का तई जहरी होता है। आई एम श्योर आप लोगों ने भी एंजॉय करोगे। बाकी पाकिस्तान रिलेटेड अगर आपको अलग अलग टॉपिक्स पर रोस्ट देखने हैं, पॉलिटिकल रोस्ट भी देखने हैं, या फिर आपको इन जनरली आपको कहना है भैया फनी वीडियो देखनी है पाकिस्तान का रोस्ट हो रहा, तो आप देख सकते हैं ट्विब्रो चैनल पर। क्यों? क्योंकि मज़ा आता है। और वही मेजर गौरव सर वाली बात है, पाकिस्तान को हम लेते हैं एज एन एंटरटेनमेंट सोर्स। क्यों? क्योंकि उन्होंने तो कसम खा ली है सुधरना नहीं है नहीं, और हमने कह दिया भैया कहीं तो एंटरटेनमेंट मिले। तो आई एम श्योर वीडियो देख के मजा आया, तो वीडियो को कर दे लाइक, चैनल में तो प्लीज़ सब्सक्राइब। बाय बाय, टेक केयर।